नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा बाइक एंड स्कूटर की 2021 अप्रैल की प्राइस लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अप्रैल के महीने में बाइक एंड कार की जो प्राइसेस है वो कंपनियां थोड़ी सी बढ़ा देती है, यानी जो प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ, वो ऑन रोड प्राइस है, लेकिन ये यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ की ऑन रोड प्राइस है, तो आपकी सिटी और मेरी सिटी में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। देखा जाए तो उतना भी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं रहने वाला है, लेकिन ये चीज़ पहले से क्लियर करना बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में फिर कमेंट आने लगते हैं। इससे पहले भी मैंने KTM एंड हस्कॉर्ना बाइक की प्राइस लिस्ट वाली वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने 2021 अप्रैल की प्राइस को बताया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी आ रहा होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यार, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना का सेकेंड स्टेज यानी सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुका है, तो जितना से जितना हो सके आप घरों पर ही रहें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें, बिना मास्क के बाहर बिल्कुल भी ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर से पालन करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है FZS 150। रायपुर की ऑन रोड प्राइस के हिसाब से इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है वो करीब 1,27,000 रुपीज में मिल जाता है। और वहीं अगर इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में लेते हैं तो इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी 1,32,000 रुपीज, यानी 1,32,000 रुपए। वहीं डार्क नाइट विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की प्राइस रहेगी 1,33,000 रुपीज, यानी 1,33,000 रुपए। और वहीं बात करें इसके विंटेज ग्रीन विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस रहेगी 1,35,700 रुपीज, यानी 1,35,700 रुपए ऑन रोड रायपुर। तो ये बात हुई FZS 150 के प्राइस की, यानी इसमें आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो कुल मिला के इसमें 8 मॉडल आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेन मॉडल्स है उसका यहाँ पर प्राइस बताया। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की बाइक के बारे में, जो कि है द मोस्ट पॉपुलर बाइक इन इंडिया, R15 V3। देखा जाए तो ये बहुत सारे भाइयों की फेवरेट बाइक या फिर ड्रीम बाइक भी है। अगर आपकी ये फेवरेट या फिर ड्रीम बाइक है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे R15 V3 की जो प्राइस है उसके कलर के हिसाब से डिफरेंट है। R15 V3 की ब्लू कलर की प्राइस रहने वाली है 1,85,700 रुपीज़, 1,85,700 रुपये। वहीं इसके ग्रे रेड कलर की प्राइस रहने वाली है 1,84,500 रुपीज़, 1,84,500 रुपये। और वहीं इसके मैट ब्लैक कलर की प्राइस रहने वाली है 1,86,800 रुपीज़, यानी 1,86,800 रुपए ऑन रोड रायपुर। R15 इंडिया में इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि 150 सीसी होने के बावजूद में इसकी जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर की बाइक की ओर, तो तीसरे नंबर की बाइक है MT15। देखा जाए तो ये भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें जो इंजन शेयर हुआ है वो R15 V3 का ही है। इसके प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यानी कलर के हिसाब से आपको प्राइस पे करना होगा। MT15 के ब्लू कलर की प्राइस रहेगी 1,71,300 रुपीज़, यानी 1,71,300 रुपए। और वहीं इसके व्हाइट कलर की प्राइस रहने वाली है 1,72,400 रुपीज़, 1,72,400 रुपए ऑन रोड रायपुर। देखा जाए तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपनी MT15 को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप इसको कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो, और उसके लिए आपको डिफरेंट प्राइस भी पे करना होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की बाइक की, तो वो है FZ 250। देखा जाए तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड और दूसरा है स्पेशल एडिशन। स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस के बारे में बात करें तो ये करीब आपको 1,85,600 रुपीज़ में आ जाती है, यानी 1,85,600 रुपए। और वहीं बात करें इसके स्पेशल एडिशन के बारे में तो ये करीब आपको 1,91,000 रुपीज़ में आ जाती है ऑन रोड रायपुर। तो आप लोगों को इन बाइक्स में से कौन सी बाइक पसंद आई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बात हुई इसके मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो अब बात करते हैं स्कूटर की प्राइस के बारे में। यामाहा में देखा जाए तो आपको 2 स्कूटर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें रेजाडार और दूसरी आती है फसिनो। तो पहले बात कर लेते हैं फसिनो के बारे में, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड और दूसरा आता है डिलक्स। और इसमें आपको कुल मिला के 4 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड ड्रम मॉडल की प्राइस है 95,000 रुपीज़। और वहीं बात करें इसके स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट के मॉडल की प्राइस की, तो ये करीब आपको 97,700 रुपीज़ में मिल जाती है। वहीं बात करें इसके डिलक्स वेरिएंट की, तो डिलक्स वेरिएंट में भी आपको ड्रम एंड डिस्क दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। डिलक्स वेरिएंट की ड्रम मॉडल की प्राइस है 96,100 रुपीज़। और वहीं बात करें इसके डिलक्स वेरिएंट के डिस्क मॉडल की प्राइस की, तो ये करीब आपको 98,800 रुपीज़ में मिल जाती है। अब बात करते हैं रेजाडार 125 के बारे में, तो इसमें आपको कुल मिला के 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। रेजाडार 125 ड्रम वाले मॉडल की प्राइस है 97,500 रुपीज़। और वहीं बात करें इसके डिस्क वाले मॉडल की, तो ये करीब आपको 1,00,800 रुपीज़ में मिल जाती है।
इसमें देखा जाए तो एक और वेरिएंट आते हैं जिसका नाम है स्ट्रीट रैली डिस्क मॉडल। इसकी प्राइस के बारे में बात कर रहे हो तो ये करीब आपको 1,01,900 रुपीज में मिल जाती है। तो ये है 2021 अप्रैल की प्राइस लिस्ट, वो भी यामाहा बाइक एंड स्कूटर की। आपको इनमें से कौन सी बाइक या फिर स्कूटर पसंद आए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी अगर कोई राय है इन बाइक्स एंड स्कूटर को लेकर तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।